अच्छा अभी रिसेंटली बकर गुज़री है और हर बकर में हर किसी के व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर एक वीडियो क्लिप आती है जिसमें एक एनिमेटेड गाय या बैल और बकरा होता है और वो गाना गा रहा होता है अः राय हक के शहीद हो बकरी गारी होती बकरी गा रही होती है ए राय हक के शहीद हो वो हम सब ने देखी हुई है उसके क्लिप्स भी उसके क्लिप्स क्या पिक्चर्स भी आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे वो आपने बनाया जी हाँ वो ऐसे था कि वो चार दिन का प्रोजेक्ट था ओके बकर सर पे थी हाँ. आ, मेरे एक दोस्त थे इज़ एन अमेजिंग आर्टिस्ट तो वो दुबई में अभी तो दुबई शिफ्ट हो गया हाँ. तो हम लोग तीन चार दोस्तों ने कहा कि यार कुछ ऐसा करना है कुछ मज़े का बनाना है और कोई इंटेंशनस नहीं थे कि कुछ उस वक्त वायरल होना के कॉन्सेप्ट नहीं था द वर्ल्ड द वर्ल्ड वायरल तो ये टिक के बाद आया ना उस वक्त <laughs> तो वायरल होने वाला कॉन्सेप्ट था ही नहीं तो ये वी मेर टू शो के सर एबिलिटीज के हम ये कर सकते हैं तो वो बना दिया हम लोगों ने उस साल कुछ भी नहीं और नेक्स्ट ईयर किसी ने उसको व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया दिस इज़ टॉकिंग जो हमने बनाया आई थिंक इट वाज 2012 और 13 अगेन अच्छा और उस वक्त तो वो सिर्फ हमने बना के अपनी पोर्टफोलियो के यहाँ हमने बनाया है हम लोग इतने एबल हैं और फिर नेक्स्ट ईयर किसी ने उसको व्हाट्सएप पर शेयर कर दिया और फिर वो व्हाट्सएप पर वायरल हो गया अब वो जो जिस जिसने मेरे दोस्तों यार उन्होंने नाम देखा मेरा उसमें एंड में तो वो ये तुमने तुम्हारा नाम है हाँ ये तुमने बनाया हाँ तुमने बुरका एवेंजर भी बनाया हाँ उससे वक्त बुरका एवेंजर भी चल रहा था तो वो एक साथ ही जो है ना बहुत सारी हाइप बहुत अच्छा टाइम था दैट वाज रियली गुड टाइम जबरदस्त यार दावा यार एक बात बताएं आप इतने एनिमेटेड चीज़ें बना रहे होते हैं और एनिमेशन से रिलेटेड मतलब आर्टिस्टिक आपका काम है आपको कभी किसी ने इस पर कोई तनकीद का निशाना नहीं बनाया तो तुम करो गलत काम है हाँ हाँ बहुत ये तो गुना है ये तो दे, देखो अर्सलन आई वॉज बिलोंग टू मेमन फैमिली आई वॉज द ओनली आर्टिस्ट चाइल्ड इन द फैमिली फैमिली ऑफ बिजनेस मैन हार्ड वर्किंग पीपल आई वॉज द ओनली चाइल्ड जिसका कोई इंटरेस्ट नहीं था कारोबार करने में ऊंची सलवार पहन के पान भरा और उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था तो मैं बचपन से ही ड्राॅइंग करता था तो मुझे बचपन से अब्बा और अम्मा के अलावा सबने ख़ानदान तनकीद किया था कि वो वट यू डूइंग इज़ रॉन्ग तो वो ना बात समझ आती थी लेकिन अल्लाह माफ़ करे तो अब ना उस बिल्कुल खुदाई के दावा तो नहीं कर रहे ना कार्टून बना के तो बस वो एक शौक था और फिर वो जब जब एनिमेशन में आए तो बहुत लोगों ने कहा यार आप नाक बनाते हो कान बनाते हो आंखें बनाते हो हाथ बनाते हो ये सब गुनाह है ये सब हराम है ये सब ठीक है फ़ाइन नीयत एक्चुअली मुझे तो लगता है पर्सनली कि नीयत मैटर करती है आपकी नीयत